नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपके घर में अचानक से बंदर आ जाए, बंदरों का झुंड आ जाए, तो इसका क्या मतलब है? मित्रों, वैसे तो बंदर कभी भी आ जाते हैं, झुंड का झुंड कई जगह होती है जहां पर बंदर घूमते रहते हैं, छतों पर इधर से उधर चले जाते हैं। लेकिन कई बार जब ऐसा हो कि कभी नहीं आए हों और अचानक ही आपके घर में बंदर आ जाएँ, स्पेशली मंगलवार या शनिवार को आ जाएँ, तो इसे भगवान हनुमान जी की विशेष कृपा समझनी चाहिए कि भगवान हनुमान जी आप पर बहुत प्रसन्न हैं और बंदरों को आपको चना देना चाहिए खाने के लिए, केले देने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, अपने बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना कि बच्चे कूद जाते हैं, झपट जाते हैं बंदर। हालांकि अकारण कोई भी जीव किसी को तंग नहीं करता जब तक कि उस पर कोई जान पर ना आ पड़ी हो, लेकिन फिर भी आपको सावधानी तो रखनी है और बच्चों को दूर रखना है। ये नहीं कि मैम ने बोला तो इसलिए हमने ये कर दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा मानते हैं बड़े बुजुर्गों से, जब मैंने बातचीत की कि भाई इसका क्या मतलब है, बंदर भी सपने में दिखे तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। आपको पता ही है वानर रूप में हमारे भगवान हैं, तो वो किसी न किसी तरह से आपको किसी मुश्किल से निकालने वाले हैं, आगे के लिए कुछ आपका फ्यूचर लेकर आए हैं वो अच्छा, इस तरह का इंडिकेशन मिलता है। और अचानक से बंदर घर में आ जाएँ और बहुत सारी संख्या में आ जाएँ, छोटे छोटे बंदरों के छोटे छोटे बच्चे भी आ जाएँ, तो आप उनको केले और चने जरूर खिलाएं और हाथ जोड़ें और अकारण उनको सताएं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।